किसी ने बहुत ही प्यारी बात कही है कि जब एक लड़की बहू बनके अपने ससुराल आती है तब वो ये कभी नहीं सोचती कि मैं किस तरीके से यहाँ क्लेश करूँ, किस तरीके से लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करूँ, बल्कि वो बहुत डरी हुई सी होती है। उसे खुद लगता है कि मैं एक नए घर परिवार में आई हूँ, यहाँ के लोग मेरे साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं, कैसा वहाँ का रहन सहन है, कितनी उसको केयर मिल रही है, घर जैसा प्यार मिल रहा है कि नहीं। वो अपने घर से दूसरे घर में आती है और ऐसा कभी नहीं होता कि ससुराल वाले लड़की को बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत इज्जत कर रहे हैं, उसका बहुत ख्याल रख रहे हैं, फिर भी वो लड़की कलेश किए जा रही हो। दरअसल बहू जो होती है ना, वो एक रिफ्लेक्शन होती है ससुराल वालों की। जिस तरीके से आप बहू के साथ व्यवहार रखेंगे, ठीक उसी तरीके का व्यवहार आपको भी बहू से मिलेगा। इसलिए उसका ख्याल रखें, प्यार दें और आपको भी। गुड मॉर्निंग, सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हों, सुरक्षित हों और खूब खुश रहें। आज नाश्ते में क्या बन रहा है? आज नाश्ते में बन रहा है शुभम का फेवरेट। मैंने कल बताया था ना, आज भी शुभम की छुट्टी है, दो दिन की छुट्टी थी उसकी कल और आज। तो आज शुभम की पसंद के लिए बन रहा है नाश्ता, जो कि मैं उसे घर में ही बना के देती हूँ, टिफिन में नहीं मिलता है उसको। और उसके साथ ही बनेगी लंच में टेस्टी और सिंपल सा खाना। चलो शुरू करते हैं। काले चने मैंने कल भिगोए थे, अभी सुबह पानी हटा करके इनको इस कंटेनर में डाल करके फ्रिज में रख देंगे। थोड़े थोड़े से यूज़ होते हैं रोज़, जैसे आज सुबह भी बनाई थी मैंने काले चने की सैलड, तो बॉईल करके फिर यूज़ करते हैं, किसी दिन शेयर करूँगी मैं। अभी मैंने फ्रीज़र से निकाले हैं ये फ्रोज़न हरी मटर और थोड़े से स्वीट कॉर्न, और यहाँ पर एक गाजर ली है, उसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। ये है दिसानो की मैकरोनी पास्ता, ये दुरुम व्हीट से बना हुआ होता है तो इसलिए हेल्दी होता है। मैंने यहाँ पर इसे एक कप ले लिया है और ये बनाने वाली हूँ मैं शुभम के लिए नाश्ते में। ये है अगारो हार्ड एनोडाइज कढ़ाई विद ग्लास लिड, और इसको रखा गैस पर। इसमें डाला मैंने करीब 2-3 ग्लास पानी, आधा चम्मच नमक, 1 बड़ा चम्मच ऑयल, और जैसे ही पानी गर्म हुआ तो इसमें डाला है पास्ता, हरी मटर और स्वीट कॉर्न, गाजर, इनको हम बॉईल कर लेंगे। तो एक साथ ही ये ना मैकरोनी पास्ता के साथ ही बॉईल हो जाएंगी। एक बार आज तेज थी, फिर मैंने आज धीमी कर दी, तब तक धीमी आंच में ये पकती रहेंगी ढक करके कढ़ाई में। अब इसकी तैयारी करने के लिए लिया मैंने 3 हरी मिर्ची, 3-4 लहसुन की कलियाँ और 1 टुकड़ा अदरक लिया है और 1 बड़ी प्याज ली है। इन सभी को एक साथ ही हम एकदम फाइन चॉप कर लेंगे, अदरक लहसुन हरी मिर्ची और प्याज। टमाटर भी यूज़ करेंगे तो बाद में काटूंगी। यहाँ पर मैंने हैंड चॉपर में डाली है प्याज, अदरक, हरी मिर्ची और लहसुन, एकदम फाइन चॉप कर लेंगे। ये पुरानी चीज़ काफ़ी काम की चीज़ है मुझे काफ़ी मज़े मतलब अच्छी लगती है। अब ये मैंने सब चॉप करके साइड में रख लिया है। 1 शिमला मिर्च भी ली है और इसको भी हम एकदम फाइन चॉप कर लेंगे। जो सब्ज़ियाँ हार्ड हैं उनको तो बॉईल करने में ही सही रहता है, अब जैसे ये बहुत सॉफ्ट रहती है, फाइन चॉप हो गई है, तो शिमला मिर्च का टेस्ट भी ऐसे अच्छा लगता है, उबला हुआ अच्छा नहीं लगता। मैं पाव भाजी में भी कभी भी बॉईल नहीं करती शिमला मिर्च, फाइन चॉप करके डालती हूँ। अभी यहाँ पर एक टमाटर भी चॉप कर लिया है और ये ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो चुकी है। आज हरी प्याज की सब्जी आई है, मतलब हरी प्याज आई है, स्प्रिंग अनियन, तो इसलिए मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। हालांकि पहले मुझे याद नहीं था तो मैंने हरा धनिया निकाला था, लेकिन हम ये डालेंगे क्योंकि आज है हमारे पास। यहाँ पर कढ़ाई खोल कर देखा है मैंने तो मैकरोनी पास्ता जो है वो बॉयल हो चुका है, स्वीट कॉर्न, गाजर और मटर ये भी साथ में ही बॉयल हो चुके हैं। इसे हम पानी से निकाल कर छन्नी में डाल देंगे जिससे ये खिला खिला सा रहे और पानी झड़ जाएगा। अब कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच जितना ऑयल गरम किया है, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, इनको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करेंगे प्याज को। अभी डाला है शिमला मिर्च और टमाटर, साथ में डाला है 1 मैगी का मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर, नमक डाला है और पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डाला है 1 बड़ा चम्मच। सभी को मिक्स कर लेंगे, टमाटर सॉफ्ट होने देंगे, ढक देंगे ताकि टमाटर सॉफ़्ट हो जाएं और जो सब्ज़ी है प्याज या फिर शिमला मिर्च ये हल्की सी सॉफ्ट सी हो जाएं। अब ये सब पूरा मिक्स होने के बाद डाल दिया है उबली हुई ये मैकरोनी और इसी के साथ ही डाला है टोमेटो केचप 2 चम्मच और इसे मिक्स कर देंगे। इससे ना काफ़ी जूसी जूसी फ्लेवर आता है, ना ड्राई ड्राई सा नहीं लगता है। केचप डाल करके अच्छे से प्रॉपर मिक्स कर लेंगे और इसके ऊपर डालेंगे लास्ट में स्प्रिंग अनियन, वरना धनिया पत्ता तो हमारा था ही जिंदाबाद आज है, क्योंकि आज इसकी एक सब्ज़ी बनेगी बहुत स्पेशल। अब इस धनिया इसको
स्प्रिंग अनियन डाल करके मिक्स कर दिया और गर्मा गर्म ये मैकरोनी पास्ता सर्व करें। ये एल्बो शेप में है, वैसे पेने पास्ता भी आता है तो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में बच्चों को अच्छा लगता है, थोड़ा सा चेंज लगता है, लेकिन ये शुभम को टिफ़िन में बिल्कुल नहीं मिलता है, घर पर ही मिलता है। और छुट्टी का दिन है तो आज उसकी फरमाइश पूरी हो गई है। अभी बोल रहा है कल भी मेरी छुट्टी है। अच्छा, 3 दिन की छुट्टी है, मुझे लगा था 2 दिन की है, पहले मुझे याद था। तो अब लंच टाइम पे बनेगी मूंग वड़ी की सब्जी विद स्प्रिंग अनियन। मैंने अभी लास्ट रिसेंटली जो मूंग वड़ी बनाई थी, उसने एक कमेंट था कि हरे प्याज के साथ मूंग वड़ी बहुत अच्छी बनती है। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के इस तरह के कमेंट्स होते हैं, हमें भी कुछ डिफरेंट टेस्ट मिलता है बनाने को, ट्राई करने को और खाने को भी मिलता है, ताकि हम 4 लोगों को भी बता सकें। ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ और काफ़ी अच्छी लगी है सब्ज़ी। स्प्रिंग अनियन का नीचे का जड़ हटा दिया, उसको धुल करके मैंने बारीक काट लिया। कढ़ाई में 1 चम्मच तेल गरम करके सबसे पहले जो हमने 1 कप ली है मूंग वड़ी, इनको हम अच्छे से भून लेंगे। भून करके हम निकाल लेंगे साइड में, और इसको मैंने थोड़ा छोटा भी कर लिया था अभी भूनने के बाद। अभी यहाँ पर कढ़ाई में सरसों का तेल गरम किया, इसमें 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच राई, 1 चम्मच बारीक कटी हुई लहसुन, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, थोड़ी सी हींग, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, और अब डाली है ये स्प्रिंग अनियन कटे हुए। नमक भी डाल देंगे साथ ही, ताकि सभी चीज़ों को मिक्स करें और ये जो स्प्रिंग अनियन है ये हल्के से सॉफ्ट भी हो जाएंगे जल्दी से, और मसाले के साथ सब अच्छे मिक्स हो जाएं। यहाँ पर मैंने 1 टमाटर भी डाल करके मिक्स कर लिया है। टमाटर टोटल ऑप्शनल है, चॉइस है आपकी, मुझे पसंद है खट्टापन ग्रेवी में, इसलिए मैंने इसको डाला है। अभी इसको ढक करके ना कुछ मिनट ही पकाया था, तो टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं और स्प्रिंग अनियन भी अच्छे से पक चुकी है, हालाँकि वो बाद में भी पक जाती है। जो मैंने ये भूननी थी ना अभी तेल में मूंग वड़ी, इनको मैंने थोड़ा सा छोटा कर लिया है, छोटी छोटी सी हो गई है, ऐसे कूट लिया है उससे खलबत्ते से, और खलबत्ता मतलब वो छोटा वाला जो पत्थर है उससे, ऐसा ना हो पूरी चटनी बन जाए, उसे मिक्स करके भून लिया और फिर इसमें डाल दिया है पानी और इसको ढक दिया है। जब तक सब्जी पक रही है कढ़ाई में, अभी यहाँ पर मैंने आटे में हल्का सा नमक डाल करके आटा सॉफ्ट सा तैयार कर लिया है फुलके के लिए। इतनी देर में यहाँ सब्जी चेक करी है, अभी पक रही है और इसको पकना है, तो क्या करते हैं दूसरी तरफ रख दे रही हूँ मैं गैस में सब्जी, सब्जी पकती रहेगी धीमी आँच में। यहाँ पर मैं रोटियाँ फटाफट से सेक लेती हूँ, तो लंच के लिए ये रोटियाँ हरे प्याज के साथ मूंग वड़ी मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है। खाने के बाद मुझे काफ़ी पसंद आई, डिफरेंट सा टेस्ट लग रहा है, अच्छी लग रही है। कई बार होता है ना, हर स्टेट में थोड़ा डिफरेंट होती हैं चीज़ें, बनाने के थोड़े तरीके अलग होते हैं, जिसकी वजह से खुशबू और टेस्ट पूरा चेंज हो जाता है। कहाँ तो हम मूंग वड़ी बिना प्याज लहसुन की बनाते हैं, वो एक डिफरेंट टेस्ट हो गया। आज इसमें लहसुन भी डली है, स्प्रिंग अनियन भी डली है, तो एक डिफरेंट टेस्ट हो गया, बट अच्छा है टेस्ट चेंज करने के लिए, कुछ नया ट्राई करने के लिए। अगर खाते हैं प्याज तो ट्राई कर सकते हैं, और स्प्रिंग अनियन के साथ एक अलग ही टेस्ट है। वैसे चाहो तो रेगुलर नॉर्मल प्याज भी डाल सकते थे ना, लेकिन नहीं, ये स्पेशली बनती है हरे प्याज के साथ मूंग वड़ी। तो एक सब्जी हो गई ना कि आज की सब्जी क्या बनाई, एक नई सब्जी पता चल गई, वरना वही रेगुलर सब्जियाँ रहती हैं, भिंडी, कद्दू, गोभी, लौकी, तुरियाँ, फिर घूम फिर के आ जाओ। तो ये इसीलिए स्पेशली मैंने मंगवाई थी ये स्प्रिंग अनियन की, मिल गई तो आ गई, तो फिर बनाया और धीमी आँच में उसको, फिर कढ़ाई में जब पक रही है तो धीमी धीमी पकेगी, कुकर में अगर पकती है तो 2-3 विसल में बन ही जाती है मूंग वड़ी। और रोटियां भी सिक गई तो घी लगा के रोटियां रख लेंगे। इसी तरह जब भी हम कोई सब्ज़ी बनाते हैं, और जब आप लोग बताते हैं कि इस सब्ज़ी को हम ऐसे बनाते हैं, तो कई बार हमें याद रहती हैं, तो मुझे लगता है कि चलो आज कुछ उनके स्टाइल का बनाते हैं। तो यहाँ पर रोटियाँ भी बन चुकी थी और ये सब्ज़ी भी हमारी पक गई है परफेक्ट, क्योंकि मूंग वड़ी है वो पानी सोख करती हैं। अभी ऐसे थोड़ी देर खाते हैं, जैसे थोड़ा थोड़ा सर्व करो ना 1-2 बार आप, तो फिर एकदम से फिर गाढ़ी गाढ़ी सी लगने लगेगी। और वैसे भी वड़ी में मैंने देखा है रस्सा पीने में अच्छा लगता है। आज मैं दिखा रही हूँ कि पापड़ को रोल कैसे करते हैं, मुझे एक दिन पूछा था किसी ने, तो मैं एग्जैक्टली दिखा रही हूँ। जैसे पापड़ भून लिया गैस पर और बस गैस बंद कर दी, जैसे ही गर्म गर्म पापड़ है फिर उसको पकड़ के ऐसे रोल कर देते हैं, फिर उसको हल्का सा रगड़ दो। अब ये रोल ऐसे ही रहेगा, सूख गया पापड़, अगर विद इन सेकेंड मतलब उसी समय ही करना पड़ता है। अगर आप पाप गैस से हटा के प्लेट तक ले आओ तो ठंडा हो जाता है, फिर फोल्ड करने में टूट जाता है, वो जैसे ही गैस में सिकता है तुरंत रोल करना पड़ता है। और रोल करने के बाद अच्छी बात ये होती है, जब आप प्लेटिंग करते हो तो सब्जी है, दाल है, चावल है, सैलड है, छाछ है, आज तो छाछ है, ये बटर मिल्क है,
प्लेन राइस है और सब्जी है, तो अब ये प्लेट में ना ऐसे साइड में रख सकते हो पापड़। बड़ा पापड़ क्या होता है, वो रोटी तो इतनी होती है, वो पापड़ ही पूरी थाली में भर जाता है, ऐसे फैल फैल सा जाता है। ऐसे सर्विंग करने में अच्छा लगता है मुझे, इसलिए मैं इसको हमेशा रोल कर देती हूँ। और आज बटर मिल्क बनाई थी सुबह, जब वो बनाया था ना काले चने की चाट, तभी बनाई थी। तो छाछ भी है लंच टाइम पे, और चावल के साथ भी ये सब्जी काफ़ी टेस्टी लग रही थी, मूंगवड़ी की सब्ज़ी चावल के साथ। रस्से वाली सब्जियों में थोड़े से चावल अच्छे लगते हैं खाने में। और खाना तैयार, और साथ ही हो गई किचन क्लीनिंग। तो ये हुआ आज हमारा सिंपल और टेस्टी वाला लंच। मुझे ऐसा लगता है कि जब एक लड़की की शादी होती है ना, तो उसके ढेर सारे सपने होते हैं। आज के इस टॉपिक को सभी लोग अपने आप से रिलेट करना। सोचो जब आपकी शादी हो रही थी तो आपने क्या ही सोचा था, शादी हो रही है, अच्छा लड़का देखने आया है, लड़के के परिवार वाले देखने आए। जब आप उनके परिवार वालों से मिलते हो, देखते हो, तो कैसा मन में आता है कि अच्छा ये लड़के के माता हैं, ये पिता हैं और ये बहनें हैं। इस तरीके के इंट्रोडक्शन होते हैं, आपके मन में बैठता है कि हम इस परिवार में जाने वाले हैं। आपके एक तरफ तो उथल पुथल मच रही होती, जिस बंदे से शादी हो रही होती है भाई साहब उसके साथ पूरी ज़िंदगी निभानी है, उसकी नौकरी, उसका काम, फिर उसके साथ आपका जो लाइफ है। हर लड़की के अपने एक सपने होते हैं। लड़कियां मतलब शादी एक ऐसा विषय है, एक टॉपिक है जो बचपन से गुड़िया गुड्डा का खेल जो था, जैसे बड़ी होती हैं उनके जो ड्रीम जुड़ जाते हैं, आगे के सपने, जीवन का भविष्य, वो सब रहता है। मतलब शादी का जो दौर होता है वो एक लड़की के दिमाग में ना जाने कितने सारे उथल पुथल रहते हैं। उस लड़के के बारे में सोचना, उसके साथ आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचना, टीवी में जो देखा होता है फूल खिले, वो फूल वाकई में खिलते हैं कि नहीं खिलते हैं, वो सारा रहस्य रहता है। और फिर जीवन में जो होता ही है, जो सीरियल वगैरह में देख ही रहे होते हैं, फिल्मों में तो नाच गाना हो रहा होता है, तो वैसा तो हीरो होता नहीं है रियल लाइफ में, लेकिन फिर भी सपने देखने में क्या जाता है, वो कपड़े, ऐसे कपड़े, ऐसा माहौल, ऐसा रहन सहन, ऐसा घूमना फिरना, ना जाने। देखो बहुत सारी चीज़ों में तुम चाहे छोटी छोटी चीज़ें होंगी, ठीक है कुछ चीज़ें उतनी ड्रीमिंग में नहीं रहती, लेकिन एक्चुअली रहती हैं। आप एक नए सफ़र में जा रहे होते हो, एक नई दुनिया में जा रहे होते हो, आप एकदम अलग परिवार में जा रहे होते हो। मतलब जब हमारा जन्म होता है, तो किसी ने बहुत खूबसूरत बात कही है कि सब कुछ आपके हाथ में है, आपका जन्म कहाँ हो, किस परिवार में हो, ये आपके वश में नहीं, ये आपके हाथ में है, ये ऊपर वाले ने तय किया। अब जब इस दुनिया में एक पूरे परिवार में, घर में आपकी पैदाइश से लेकर के बड़े हुए, पढ़े लिखे, नाचा खेला कूदा, खूब अपने शौक पूरे किए, खाया पिया, अपने मन का हर कोई पूछने वाला है कि आज तुम्हें क्या खाना है, आज तुम्हारी पसंद का खाना बनाया, माँ ये बोलती है, पापा कहते हैं क्या लाएं तुम्हारे लिए, अच्छा उस बच्ची को तो वो पसंद है, हमारी बिटिया को वो पसंद है, वो आ रहा है। मतलब आप उस परिवार में रह रहे होते हो, अब अचानक से आप सडनली दूसरे परिवार में जाने वाले होते हो। अब लो भैया वहाँ उस तरीके का माहौल मिलेगा कि नहीं, लोग पूछेंगे भी कि नहीं कि तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है, तुम्हें चाट खाने का मन है तो चलो हम बाजार जा रहे हैं तो तुम्हारे लिए लेते आए, मतलब कुछ भी चीज़ें कह लो एक्स वाई जेड। अब आप एकदम ही डिफरेंट परिवार में जा रहे होते हो, तो यहाँ तो और उथल पुथल है, क्योंकि पहले जब आए थे तू से आए थे कुछ होश ही नहीं रहता, कहाँ होश रहता, जहाँ टपक गए, जैसे नहीं पेड़ से टपका इंसान आ गया किसी घर में, वहीं देखते जा रहे हैं, रह रहे हैं कि इस प्लेट में खाया जाता है, इस चम्मच से खाते हैं, ऐसे खाते हैं, ये चीज़ ऐसे बनती है, दाल ऐसे पीते हैं, खाना ऐसे खाते हैं, वो हमने बेसिक भी शुरू में वहाँ से सीखा होता है। फिर अब हम एकदम ही दूसरे परिवार में जा रहे हैं, तो वहाँ तो हमारी च्वाइस है, एटलीस्ट हम ये तो देख सकते हैं कि यहाँ हम रह सकते हैं कि नहीं, ये घर में कैसे होगा। उनके घर में आप घुसो, दरवाजे से घुसते ही अब घर होता है, किसी अलग घर होता है ना, आप आपका घर देखा होगा, आप अभिलाषा कर भी होगी तो आपको अलग हर चीज़ लगेगा, अच्छा बाथरूम ऐसा है, वॉशरूम ऐसा है, कमरे ऐसे हैं, घर ऐसा, मॉल ऐसा है, ऐसे ही लोग खाते हैं, ऐसे बोलते हैं, मतलब एकदम अगर आपके घर में समझो चिड़िया आ जाए, फड़फड़ाने लगेगी, बाहर वो खूब कूल रहेगी बालकनी में, लेकिन अगर आप घर के अंदर आ जाएगी ना, आपका तो आपकी नज़र में तो बहुत अच्छा है हमारा घर, तुम्हारी चिड़िया को तो खुश होना चाहिए, लेकिन चिड़िया फड़फड़ाने लगेगी, उसको सब कुछ एकदम अलग ही लगेगा, क्योंकि अभी तक वो कहाँ रह रही है, वो आसमान में उड़ रही थी, और अभी यहाँ देखे तो फ्रिज, टीवी, कूलर, अलमारी, उससे कोई लेना देना नहीं उसका। मतलब कहने का एक डिफरेंट माहौल में आते हो, एक अलग ही दुनिया चल रही होती है, हर किसी के साथ आप बात करते हो तो डरे सहमे से रहते हो, फिर धीरे 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 धीरे। अच्छा मैंने बहुत सारी चीज़ें इस विषय में ऐसी सोची हैं कि देखो जब शादी होती है तो लड़की को जब दूसरे घर जाती है तो बाकी तो दान दहेज तो सब एक तरफ, सोना चांदी रुपया पैसा, लेकिन देखो तुम बेसिक चीज़ें, वो लड़की अपने ब्रश तक लेके आती है, पेस्ट लाती है, अभी हंसी आ रही है, शादी के बाद पलंग तो सोने को दिए ही जाते हैं, बिस्तर, पलंग और दुनिया भर के सामान रखने को, सजने को एक शीशा तक दिया जाता है ड्रेसिंग के नाम पर, मतलब हर चीज़ दी जाती है कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो भी हमारी बच्ची को किसी से पूछना ना पड़े कि हमें मंजन दे दो, हमें ब्रश दे दो। यार हंसी की बात है, साबुन और तौलिया और कपड़े तो खैर आते ही, मतलब ये जो
वो चीज़ नीड्स होती हैं, वो तभी पहली बार में लड़की को दे के भेजा जाता था। ये परंपरा थी और लेके जाती थी लड़कियां, याद है ना, किनी अटैची में सबसे पहले खोल रहे अपना। अच्छा, आपको अपने घर के भी चार कमरे होंगे तो चार बिस्तरों में नींद नहीं आएगी, लेकिन आप एकदम डिफरेंट घर में पहुंच गए और वहां आपको सोने को तो नींद ही नहीं आती कितनी रातों। तो यानी कि वो जो कोई भी लड़की होती है वो एक अलग ही दौर में घूम रही होती है। सबसे बड़ी चीज़ होती है जब उस घर में गई, वहाँ पे कैसा माहौल मिला, कैसे लोगों ने उसकी केयर करी, कैसे उसको प्यार किया, कैसे उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप एक तो पहले तो दुनिया, बाहर की दुनिया से आप आते हो, बाहर वैसे भी लड़ाई है, मतलब लड़ाई करने का पूरा, हर आदमी आपको नोचने में, आपके साथ शोषण करने में या आपका गलत करने में लगा पड़ा होता है। अब आप एक घर में आए हो तो इस सिक्योरिटी के साथ आए हो कि ये अब हमारा घर जैसा है, जैसे हमारे परिवार में कभी किसी ने हमारा यूज़ नहीं किया या हमें धोखा नहीं दिया या हमारे साथ चीट नहीं किया, हमसे छुपाया नहीं कुछ, वैसे यहाँ पर भी वही माहौल होगा। हमें एक परिवार से आए थे, वहाँ पर हमें एक सदस्य माना जाता था कि ये इतने सदस्य हमारे घर में, गिनती होती थी, हर चीज़ हमारे सामने बात की जाती थी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी ऐसा ही हो, ऐसा सोच के आती है लड़की कि बिल्कुल हम भी इनके परिवार में शामिल हो गए, अब हम एक फैमिली मेंबर हो गए। तो वो चीज़ जो स्टार्टिंग से शुरू होती है ना कि कौन खुसुर फुसुर कर रहा है, कौन उसके पीछे क्या बातें कर रहा है, कौन उसके साथ क्या कर रहा है, तो वो सब चीज़ें उसके मन में बैठ जाती है। क्योंकि बच्चे तो कोई है नहीं, अब समझ सबको होती है। अब तुम किसी को कह दो कि 4 मीटर की साड़ी है, तुम इसको पहनोगे ना तो बहुत स्लिम लगोगी क्योंकि इसमें प्लेट्स कम आएंगी, तुम्हारा पेट कम दिखेगा, ये तुम बोल सकती हो, लेकिन कोई बेवकूफ नहीं है, उसको पता है कि साड़ी 5 मीटर की होती है, पल्लू जरूरी होता है, भले ही कितने भी मोटे दिखें, आगे का पेट इतना दिख जाए। मतलब बेवकूफ़ आप किसी को भी बनाओगे तो कोई बेवकूफ़ नहीं बनने वाला। यानी कि आप ऐसे कुछ भी कह दो कि हाथी उड़ता है ना, थोड़ा कोई मान लेगा, तुम कहती रहो तो सामने वाला ऐसे 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 रिला लेगा, लेकिन पता सबको है कि हाथी उड़ता नहीं है, लेकिन उस समय वाले वो कह दे कि हाँ मैंने तो कल ही देखा था ये छत में उड़ रहा था, तो वो एक अलग चीज़ हो गई। बेवकूफ़ आप बना रहे हो तो यूनिक मतलब बन रहा है। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, यहाँ बैठती हैं। इसीलिए मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सी बात सुनी कि जो बहू होती है ना वो ससुराल का रिफ्लेक्शन होती है। रिफ्लेक्शन मतलब आपने जो दिया वो आपको मिला। बहुत ही आप देखोगे बहुत अच्छे परिवार आज भी हैं इस दुनिया में जो बहुत प्यार से रखते हैं। जरूरी नहीं है कि उनकी बहुएं डायमंड ही पहन रही हैं या उनकी बहुएं रोज़ होटल में ही जा रही हैं, लेकिन एक केयर होती है। आप किसी घर जाओगे आपको पता चलेगा कि बहू की भी पसंद नापसंद समझी जाती है, पूछी जाती है, उसको अपने मन से खाना पीना जो भी करना है उसकी आज़ादी होती है, उसकी बेसिक नीड्स की ज़रूरत होती है। जब उसे जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उसको या उसके बच्चों को, उसकी केयर करने वाला कोई खड़ा होता है कि हाँ हम हैं, तुम परेशान मत हो, तुम चिंता मत करो। क्योंकि जब शादी होती है ना तो बहुत ही शान से एक वर्ड बोला जाता है, परंपरा चली आ रही है, आपकी लड़की तो हमारी लड़की, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम उसका ख्याल रखें। पता चला आप ले आए और आपने अपने घर में पहुंचा दिया बिटिया, खत्म, अब तो हम पहचानते नहीं, उनको ये पता है कि अब तो शादी हो गई, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, ना बाप ले जा सकता ना लड़की भाग सकती है। नहीं, यही तो आपकी गलती है। ये भागना जरूरी नहीं है कि घर छोड़ के ही भाग जाए। अब पहले तो देखो औरतें जो है अपने बच्चों की वजह से बेचारी घर भी नहीं छोड़ पाती थी, लेकिन आज इसीलिए डिवोर्स ज़्यादा है क्योंकि लड़कियों को सब कुछ तो सहन है पर अपने बच्चों के लिए नहीं। उनका क्या कहना होता है आजकल कि मैंने तो बहुत कुछ सह लिया, जो मेरे साथ हुआ वो तो मैंने सह लिया पर मैं बच्चों के साथ नहीं सह सकती। आज बहुत सी चीज़ें आप देखोगे सिर्फ ये उनका पॉइंट होता है कि मैं अपने बच्चे के साथ वो नहीं देख सकती या मैं बच्चों को वो लाइफ नहीं देना चाहती, इसलिए क्योंकि अब इंडिपेंडेंट हो गई हैं, अब उन्हें नहीं चाहिए आपकी 2 रोटी। तो मतलब ये कि जो बहू होती है ना वो एक दूसरे परिवार से आती है आपके घर, आपको उसको बहुत प्यार से संभाल के रखना चाहिए, उसकी हर चीज़ उसको समझो, महसूस करो। एक और छा पहले क्या था ना, 10 साल की लड़की भी आती थी, अब आपके घर 25 साल की लड़की आ रही है, 25 साल की लड़की का पूरा माइंड मैच्योर है और वो पहले ही बाहर की दुनिया से जूझ के आई है, जिन्होंने बेईमानी करी, धोखा किया उसके साथ, मतलब चीट किया। यहाँ तो वो ये उम्मीद करती कि ये हमारे अपने, हमारे साथ कोई गलत बात नहीं करेंगे या गलत काम नहीं करेंगे, हमसे छुपाएंगे नहीं कुछ भी, पता चला पड़ोसी बता रहे हैं कि ऐसा 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 है तो और भी अच्छा लगता है, यानी कि हम 20 साल भी इस घर के सदस्य ही नहीं है। तो ये चीज़ जो फीलिंग बैठ जाती है ना लड़कियों के मन में, ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप एक हेल्दी एनवायरनमेंट आपको मिले, आपके परिवार में हो, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है। हमारे घर कोई बाहरी आ जाए उसको तो हम ये लगेगा जो सबसे अच्छा बिस्तर है वो हम उसे दें कि वो सोए। भाई बहुत ही ऐसे घरों में देखो ना, लड़कियां गई बेचारी
उनको ये भी नहीं है कि हाँ अब यहाँ पे हम सेपरेटली मतलब इस चीज को पीस महसूस कर सकते हैं। हाँ वो बात अलग है कि पति के साथ रात के अंधेरे में भी बंद दरवाजे में सो आराम से, लेकिन नींद आए ना आए वो अलग बात है। बाकी दिन भर में कभी एक कोना भी नहीं मिलता है उनको, हर चीज में ऐसा लगता है कि कहाँ है कहाँ है। शुरुआत के 2-4 साल तो एडजस्ट करने में लग जाते हैं। हम तुम्हें बताएं, हम इसी घर में रह रहे हैं, हमको एक बिस्तर में नींद आती है तो आती है, हम तुम्हें कह दो दूसरे तीसरे में लिटा दो, हमें नींद नहीं आती। इसी घर में भी हमें जमीन में लिटा दो, गद्दे में, कहीं भी हम जाए ना, किसी घर कोई हमसे कह दे कि ये ऐसा ऐसा है तो हम कहते हैं भाई गद्दा है क्या तुम्हारे पास, दे दो हम जमीन में लेट जाएंगे। हमें जमीन पे गद्दे में तो हमें नींद आती है, पर ऐसे हर बिस्तर में नहीं आती, हर कमरे में नींद नहीं आती, जगह बदल जाती है तो नींद ही नहीं आती है। मतलब कितनी सारी चीजों की हमें एक आदत सी बन जाती है, मतलब सभी लड़कियों को, मैं अपने लिए नहीं कह रही, सभी लड़कियों को एक आदत ही बन जाती है हर चीज की। अरे हमें तो अभी भी याद है, हमारे बच्चे छोटे थे हुए, हर बाथरूम में तुम इनको कहीं जाओ कह दो नहा लो तो भैया उसमें बाहर भाग आते थे, क्या हुआ वो ऐसा है वैसा। यानी कि छोटे बच्चों को इतना अलग अलग लगता है अपने घर से कहीं जाते हैं, तो सोचो बड़े बड़ों का क्या हाल होता है। तो हर चीज को एडजस्ट कर रहा होता है, वो तो रह रहा है ना रोज आपके घर में। अब ये इस किचन में मैं दिन कितना कुछ बनाती हूँ, अब मैं किसी अनजान किचन में चली जाऊँ कोई मुझसे कह दे कि तुम भली चीज बना लो, तो हमें ना इससे दुगना समय लगेगा और शायद वो टेस्ट भी ना आए। तो डर इनके नमक मिर्ची कितनी डालनी है, तेल कहीं ज्यादा ना हो जाए, और कौन सी चीज़ कितनी डालें इनको ये ना लगे कि ना तो घी भर दिया इसने। तो अपने घर में खुले हाथ रहती है, यानी बहुत सारी छोटी बड़ी मैं बनाने बताने बैठूं तो पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट है और दसियों दिन भी कम पड़ जाएंगे इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए। इन शॉर्ट ये है कि एक डिफरेंट घर में जाना और वहाँ एडजस्ट करना सबसे बड़ा टास्क एक लड़की के लिए होता है, हर चीज़ से होता है। भाई दूध में, चाय में दूध कितना डाल दें भाई सामने वाले को ना लगे इसने तो हमारा आधा लीटर दूध पूरा खत्म ही कर दिया चाय बना के, मलाई कहीं धोखे से गिर ना जाए, उनको तो मलाई से घी निकालना था। अब हम अपने हिसाब से करेंगे, हम अपना चीज अपने तरीके से करेंगे, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। कब आपको भूख लग रही है टाइम बाय टाइम, आपके खाने पीने का अलग ही टाइम है, जिस समय खाना दिया गया उस समय आपको अच्छे से भूख नहीं थी, आपने नहीं खाया, अब आपको बिना टाइम के भूख लग गई तो अब क्या करें, किससे कहें। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब ये जो एडजस्टमेंट का जो टाइम होता है थोड़ा समय देना चाहिए लड़कियों को, और ज्यादा से ज्यादा उन्हें समझना चाहिए, उनकी हर परेशानी में उनको ये एहसास दिलाना चाहिए कि हम आपके साथ हैं बेटा, परेशान मत हो। तो ये सब जो चीज़ें होती है ना, वो बहुत ही कनेक्ट करती हैं सामने वाले को। दसियों बार कोई आपके लिए बहुत अच्छा करेगा ना, तो वो चाह कर भी सामने वाला मुंह तोड़ जवाब नहीं दे पाता कई बार, देखा है कि नहीं। कई बार हम लोग ऐसे संकोच में आ जाते हैं कि अब क्या ही कहें उनसे, जैसे दोस्ती होती है दो लड़कियों की तो हमको पता है कि वो गलत बोले या गलत करें, तब हम संकोच में रह जाते हैं कि नहीं, हमें लगता है हम कहेंगे तो उसको बुरा लग जाएगा। तो यही चीज़ तो वहां पर भी होती है, उसको लगता है हम कह, जब पानी गले तक आता है ना तब फिर उल्टी करता है इंसान, मतलब कहने का ये फिर सहन नहीं होता, जब बच्चों तक बात आती है तो फिर लोग सहन नहीं कर पाते। तो इसीलिए जो पराए घर से लड़की आती है तो बड़े आराम से कह देता है वो तो पराई बिटिया। अरे पराई बिटिया है तो उसको अपनाओ सबसे पहले, फिर आपके साथ एक कनेक्शन बनता है, फिर रिश्ता बनता है, और फिर क्योंकि आपने अपने बच्चे के साथ तो कर सकते हो, कहते नहीं कहावत कि अपने बच्चे को तो डांट करके मार करके फोन खींच सकते हैं, दूसरे के बच्चे से खींच के ले सकते हैं क्या, मतलब मार के ले सकते हैं क्या, नहीं ना उसको कह ही सकते हैं कि रख दो बेटा फोन, ये चीज होती है। तो आपको बहुत ही मतलब ये बहुत सेंसिटिव रिश्ता होता है, ये अलग से हुआ होता है, मतलब इस युग में अचानक से वो जो पैदा हुए बच्चे होते हैं उनकी तो कोई चॉइस नहीं होती, ये तो टेक ओवर और हैंड ओवर किए जाते हैं, हमने दिया और आपने लिया, बड़ी खुशी लिया। तो जब आप खुशी ले रहे हो तो खुशी उसको निभाना भी चाहिए, वरना आपको पहले से कह देना चाहिए कि भाई हम नहीं संभाल सकते तो वो चीज़ है, ये जिम्मेदारी इतनी आसान भी नहीं होती है, दोनों तरफ से होती है, और पहल आपको ही करनी होती है क्योंकि आपके घर कोई आया, अब आपके घर कोई आएगा तो पहले आप चाय नाश्ता कराओगे ना, उसका स्वागत करोगे, ये थोड़ा कहोगे कि जब हम तुम्हारे घर आएंगे तो तुम करोगी। पहल जो आया है, जो आपके पास है, उसको शुरुआत करनी है, जो पहले बना हुआ है होस्ट उसकी फर्स्ट वो है मतलब जिम्मेदारी। तो ये चीज है और ये एक बहुत ही संजीदा विषय है, और मैं चाहती हूँ कि आज इस विषय में आप लोग भी लिखो यार, मैं तो मतलब बहुत कुछ सोचती हूँ, बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, ऐसे थोड़ा थोड़ा बोलती रहूंगी, पर आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे अच्छा लगता है। तो जितना भी मैंने बोला उनमें से कौन सी बात से आप अग्री करते हो, या आपके अपने कौन से विचार है, ये मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि समाज में इस विषय को लेकर के बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हर घर में बेटी है और हर घर में आनी है, हर घर को अपनी बेटी देनी है और हमें दूसरे की लेनी है। तो जब हम सभी लोग इस बात की गहराई को समझेंगे कि हम एक पढ़ी लिखी लड़की दे रहे हैं, हम एक कमाऊ लड़की दे रहे हैं, तो अब हमारी लड़की में और हम में तो अंतर समझो, है ना, ये चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो आज सभी लोग अपने कमेंट्स लिखो, आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।